दोस्तों मार्च 2020 के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पर सुनी होगी कि वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के द्वारा खुद यहाँ पर बोला गया था कि वो अपनी सर्विसेज को बंद कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन पर AGR वाले जो है ड्यूज़ यहाँ पर पेंडिंग था, और इसकी जो लास्ट डेट थी दोस्तों वो 25 मार्च 2020 थी, लेकिन उसके बाद जो है इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो जो यहाँ पर AGR वाला मामला था अभी कुछ यहाँ पर दब गया था। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए जो AGR वाला मामला है उसको लेकर काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही थी। तो क्या कुछ न्यूज वोडाफोन आइडिया के AGR को लेकर आ रही, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए, और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों पिछले साल अक्टूबर के अंदर जो AGR वाले ड्यूज थे वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बताए गए थे, और सबसे ज़्यादा जो AGR ड्यूज था दोस्तों वो वोडाफोन आइडिया का पेंडिंग था। करीबन जो है 58,000 करोड़ रुपए उन पर जो है AGR वाला ड्यूज पेंडिंग था, और उसके बाद इन सभी ऑपरेटर्स को बोला गया था कि वो अपना AGR ड्यूज जो है जल्दी से जल्दी पे कर दे, वरना जो है उन्हें जो यहाँ पर जो उनके लाइसेंस वगैरह है या बैंक गारंटी वो यहाँ पर जब्त की जाएगी। और उसके बाद जो वोडाफोन आइडिया था दोस्तों वो अपना AGR यहाँ पर पे नहीं कर पा रहा था, तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया था कि वो इंडिया में अपनी सर्विसेज को बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो इस समय इतना ज़्यादा जो है AGR पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि जो बैंक गारंटी है वोडाफोन आइडिया की वो यहाँ पर जब्त की जा सकती है और उनका लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया बंद हो सकता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है अभी जो है ये मामला यहाँ पर दब गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो केस की सुनवाई थी वो यहाँ पर फिर आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के द्वारा जो AGR है दोस्तों उसको पे करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम की डिमांड की गई, यानी कि वोडाफोन आइडिया ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को बोला है कि उनके जो है कुछ ज़्यादा टाइम यहाँ पर दिया जाए और तब वो अपने AGR ड्यूज यहाँ पर पे कर सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर डर है कि कहीं उनकी जो बैंक गारंटी है वो यहाँ पर जो है जब्त न कर ली जाए, साथ में उनका जो लाइसेंस है वो यहाँ पर कैंसिल न कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज इंडिया में बंद हो जाएंगी। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया ने इसी को देखकर जो है कुछ ज़्यादा टाइम की यहाँ पर डिमांड की है, 2 साल यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 साल की डिमांड यहाँ पर उनके द्वारा की गई है। तो देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा क्या स्टेप यहाँ पर लिया जाता है, क्या वोडाफोन आइडिया को 2 साल के लिए छूट यहाँ पर दी जाती है नहीं दी जाती है। अगर कुछ यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी तो वोडाफोन आइडिया के लिए जो है काफ़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में कोई नया सिम भी वो यहाँ पर इशू नहीं कर पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूजर्स की जो वैलिडिटी है वो उन्हें 3 मई तक के लिए बिल्कुल फ्री में एक्सटेंड करनी पड़ी है, वरना तो जो है 35 रुपये का मिनिमम रिचार्ज सभी लोगों को करना पड़ता था। तो फिलहाल वो रिचार्ज भी सभी लोगों को नहीं करना पड़ रहा है, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है वो फ्री में इनकमिंग कॉल रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान इस समय वोडाफोन आइडिया को हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से आता है, या सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है। वैसे वोडाफोन आइडिया के लिए काफी बेकार सिचुएशन यहाँ पर हो रही है AGR को लेकर। आपको क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया क्या अपनी जो AGR है उससे पे कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ यहाँ पर जो है उन्हें छूट देता है, कुछ ज्यादा टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।